पेट्स के लिए जगह, काउ शेड को आप समझो पेट्स के लिए, डॉग्स और व्हाटएवर इट इज दैट कैन बी केप्ट ओवर हियर, ठीक है। सेप्टिक टैंक कैन बी मेड ओवर हियर, टॉयलेट के जो टैंक्स होते हैं वो यहाँ बना सकते हैं। गेस्ट बेडरूम के लिए बहुत अच्छी जगह होती है, गेस्ट बेडरूम अपने आप में यहाँ पे बनता है तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि इस जगह की प्रॉपर्टी ये होती है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज आती है ना वो रुकती नहीं है, तो साइमल्टेनियसली इट इज बीइंग चेक्ड, भाई गेस्ट आए और चले जाए ऐसी रहता है ना, गेस्ट तो आते और चले जाते हैं, तो उनके लिए अच्छी जगह रहती है। वन ऑफ द थिंग विच इज बीइंग सेड कि दैट इट इज अ वेरी गुड प्लेस फॉर द मैरिजेबल डॉटर ऑफ द हाउस होल्ड, वो बेटियां जिनकी शादी होनी होती है उनको अगर इस वाले कमरे में वो रहना शुरू कर दें, उनकी प्रोस्पेक्ट्स बनते हैं, ऐसे चांसेस बन जाते हैं, पॉसिबिलिटीज बन जाती है कि उनकी शादी इन टाइम हो जाए, ठीक है, सही टाइम पे उनकी शादी हो जाए, तो ये एक उनके लिए भी ठीक होती है। पार्किंग के लिए भी ठीक होती है ये जगह, और ये जगह आपके इन्वर्टर्स और जनरेटर्स के लिए भी बहुत अच्छी है। नॉर्थ वेस्ट, अभी क्या है मुंबई में तो आप लोगों के पास इन्वर्टर्स नहीं होते है ना, यह जरूरत ही नहीं होती है देखो, लेकिन आप दूसरे सिटीज में जाते हो तो यू नीड टू कीप इन्वर्टर्स ऑल्सो, या अगर आपका बंगलो होता है तो यू हैव जनरेटर्स ऑल्सो, तो यू कैन कीप इन्वर्टर्स एंड जनरेटर्स देयर ऑन टॉप ऑफ वेयर सीलिंग, सपोज ये आपका किचन का एंट्रेंस है, किचन के ऊपर जो बीम होती है समझो इसके ऊपर सर, ये इसके ऊपर, हां तो इज इट ओके, नहीं इट इज नॉट ओके, अगर आपके सिर के ऊपर आ रहा है तो गलत, मेरा वही हां, अगर सिर के ऊपर आ रहा है तो गलत, ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट में हम ये सब चीजें बना सकते हैं। नाउ वी कम्स अबाउट द नॉर्थ डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ अपॉर्चुनिटी, डायरेक्शन ऑफ सक्सेस, ठीक है। अगर किसी की भी लाइफ में उसको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में सक्सेस नहीं मिलती, मेरे को अपॉर्चुनिटीज ही नहीं आती, मेरी शॉप पे कस्टमर ही नहीं आते, मैंने बुटीक खोला कस्टमर ही नहीं आके देते कितनी भी कोशिश कर लो, या कोई भी इंस्टीट्यूशन है वहां पे उस हिसाब से नहीं हो रही है, चीजें नहीं आ पा रही है, तो यानी कि देयर इज सम डिस्टर्बेंस इन नॉर्थ, नॉर्थ में कोई ना कोई डिस्टर्बेंस है, इसी वजह से वहाँ प्रॉब्लम आ रही है। नॉर्थ जितना ब्लॉक रहेगा उतनी ही लाइफ में अपॉर्चुनिटीज दूर होती चली जाएगी, सक्सेस दूर हो जाएगी, पैसा आना दूर होता चला जाएगा। अगर आपको ग्रोथ चाहिए, अब्रॉड जाना है, बड़ा काम करना है, कुछ भी करना है, तो यानी कि आपका नॉर्थ अगर क्लियर होगा तो आप सारी चीज़ें कर पाओगे आराम से, और गलत होगा तो आप नहीं कर पाओगे। तो नॉर्थ को क्लियर रखना हमारा फर्ज बनता है, नॉर्थ भारी नहीं होना चाहिए, हैवी नहीं होना चाहिए, नॉर्थ में अगर आपकी बड़ी अलमारी रखी गई है तो वो आपको डिस्टर्ब करेगी, ठीक है। बड़ी अलमारी कभी नॉर्थ में नहीं, भारी अलमारी कभी भी नॉर्थ में नहीं होनी चाहिए, वजन नहीं होना चाहिए नॉर्थ में, ज़्यादा हाइट नहीं होनी चाहिए नॉर्थ में, स्टेयर केसेस नहीं होने चाहिए, ठीक है, नॉर्थ में ओवरहेड वाटर टैंक नहीं होना चाहिए, कभी सन नहीं होता पूरी तरीके से, है ना, सन कभी पूरी तरीके से धूप और वो नहीं आती नॉर्थ के थ्रू ऑफिस में, तो क्या होता है बाई डिफॉल्ट ये ठंडी रहती है डायरेक्शन। अब क्या इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ गर्मी है या तो उसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए सपोज यहाँ पे हम आज बैठे हैं इस समय ऑफिस में, ए सी चल रहा है तो हम कम्फर्टेबल हैं, अभी अगर यहाँ का ए सी बंद कर दीजिए आप तो कोई लेक्चर अटेंड नहीं कर पाएंगे, डिस्कम्फर्ट हो जाएगी, गर्मी हो जाएगी। तो नॉर्थ में क्या होता है बाई पहले पुराने ज़माने में जब वास्तुशास्त्र बहुत अटेंड, तब ना ए सी था ना पंखे थे ना इलेक्ट्रिसिटी थी, तब तो आप नेचुरल रिसोर्सेज ही थे, जो भी नेचर से मिल रहे थे उन्हीं के ऊपर बेस थे, इसीलिए नॉर्थ फेसिंग को अच्छा माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो भी आदमी रहेगा क्योंकि ये ठंडा रहता है तो आदमी कूल माइंडेड रहेगा, जो आदमी ज़्यादा गर्मी में रहेगा उसका दिमाग भी गर्म रहता है, टेंशन क्रिएट होती है, इसलिए नॉर्थ फेसिंग वॉज कंसिडर टू बी गुड डायरेक्शन। और चूंकि डायरेक्शन को पैसे से या वेलफेयर से इतनी जोड़ा जाता है, वो ना आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, क्योंकि आप सबकी जरूरत होती है, अभी कह दो कि यहाँ पे एक पौधा रखे पैसा आना शुरू हो जाएगा तो अगले दिन से आदमी रख लेता है मनी प्लांट, हाँ, और अगर